एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग आएंगे। और प्लांट किंगडम हम लोगों ने स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1 है क्लास 11th की, चैप्टर नंबर 3 है लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लांट किंगडम हमारे सामने है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इसमें हेडिंग्स हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट किंगडम में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया है वो अब एल्गी नहीं है, उसमें बैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से अब वो मोनेरा में है। फिर हमने देखा कि आर्टिफिशियल नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, और अब जो स्टेटिस्टिक्स, जो जो सिस्टमेटिक्स और जो टैक्सोनॉमी की जाती है, तो टैक्सोनॉमिस्ट डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है। साइटोलॉजी का यूज करेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री या स्ट्रेनिंग का यूज करेंगे तो कीमोटैक्सोनॉमी, और अगर वो डेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको आप बोल सकते हैं, मैं यहां पर लिख सकता हूं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि क्या, ये जो लाइफ साइंसेज हैं इसको हमने आईटी से जोड़ दिया, लाइफ साइंसेज को आईटी से जोड़ दिया, अब ये हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बहुत सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, 100 ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम मैच, मिसमैच, फिल्टर, फिगर आउट कर सकते हैं। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो उसका फायदा है। एल्गी से स्टार्ट किया था हमने कि भाई एल्गी क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक में दोनों ही फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, फॉर्म साइज देख लिया था, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी उगैमी होती है यहाँ पर। हमने क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स भी देखे थे कि किस टाइप से आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने एक वो भी किया था चेंज कि एनाइसोगैमस में कितने गया पॉइंट ये रहा, यूडोरिना हमने लिखा था। अच्छा, यहां पर ना, यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन का पॉइंट है, मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान दीजिए कि एनाइसोगैमी एज वेल एज ऊगैमी, क्लेमाइडोमोनास में एनाइसोगैमी एज वेल एज ऊगैमी होती है, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, 2013 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2013 का क्वेश्चन है, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी दोनों क्लेमाइडोमोनास में होती है, इस चीज को आप अपडेट कर लेंगे। आगे बढ़े हम, 2017 का क्वेश्चन देखा हमने, वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया, ये सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़े, और हमने देखा कि एल्गी के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द प्लेनेट अर्थ का जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो यही कर रहे हैं फाइटोप्लैंकटन के फॉर्म्स में, फॉर्म में ऑक्सीजन इंक्रीज करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, तो फूड साइकिल्स जो है, बाकी सारे एनिमल्स इन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो जो फूड साइकिल आगे चलेगी, जो फूड चेन चलेगी, वो उसमें मतलब जो बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। मरीन एल्गी को फूड के फॉर्म में खाते हैं, और क्लोरेला को हम यूज करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। यहां पर एक पॉइंट आया था स्पिरुलिना का, तो हमने कह दिया था कि स्पिरुलिना क्या है, बीजीए है, स्पिरुलिना चला गया है बीजीए में, इसलिए नई वाली एनसीईआरटी में क्या है, स्पिरुलिना की जगह केवल केवल क्लोरेला दिया हुआ है, केवल क्लोरेला दिया हुआ है। चलिए जी, आगे हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में देखा कि कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन किस टाइप से है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हमने डिस्कस किया, जिसमें कि जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है वो, जो पिगमेंट्स ये बियर करते हैं वो, स्टोर्ड फूड फॉर्म क्या है वो, और कॉमन नेम तो उसी हिसाब से हो जाता है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पिगमेंट पर बेस्ड है, मेजर पिगमेंट्स जो प्रेजेंट हैं, मेजर पिगमेंट्स पर बेस्ड होता है इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखो लिखा हुआ है क्लोरो, फियो और रोडो, तो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा मेजर पिगमेंट्स पर बेस्ड है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स अब हम शुरू कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। सबसे पहली बात तो यही आ गई, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहने का मतलब क्या है, कि एल्गी फिश है, बिल्कुल, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि एल्गी जो है फिश है, और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट एम्फीबियंस है। जी हाँ, टेरिडोफाइट भी, हालांकि हालांकि हम जनरली कहते हैं एम्फीबियंस को ही,
लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट्स में भी वाटर के बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, और इसीलिए टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, नैरो है। ये जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है जहां पर ये मिलता है वो बहुत कम है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल है ना, हर जगह टेरेस्ट्रियल है भाई, मतलब जहां पर हम जनरली ट्रीज वगैरह को देखते हैं, तो उनके कंपैरिजन में इसलिए कम मिलता है। कंप्लीटली एक्वेटिक है नहीं, तो वहां पर मिल जाता। जो 2/3 वाटर है, ओशियन है, वहां पर मिलता नहीं, क्योंकि कंप्लीट वाटर है नहीं, एक्वेटिक नहीं है कंप्लीटली, और कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं है, इसलिए भी हर जगह नहीं मिलता। तो इनकी जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी श्रिंक है। चलिए जी, तो ब्रायोफाइट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स की बात की जा रही है यहां पे, मॉस और लिवरवर्ट। तो ये दो कैटेगरीज हैं यहां पर। वैसे तो तीसरा भी होता है, हॉर्नवर्ट भी आता है, जिसमें एंथोसिरोस आपने सुना होगा वो आता है, तो वो यहां पर अभी हम एनसीईआरटी लेवल पे नहीं कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ये दो कैटेगरी के प्लांट्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, डिविजन है, इसके नीचे क्या आएगा, किंगडम फाइलम क्लास आएगा, ठीक है। तो ये जो दो है, ये जो दो मॉसेस और लिवरवर्ट हमारे पास टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, ये क्लासेस हैं। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडी एरियाज ऑफ हिल्स। यहीं से आपको पता चल गया कि मॉइस्चर चाहिए। और यहां पर जो हमारे पास पहला ही डायग्राम है, यही क्वेश्चन का पॉइंट है, ये क्वेश्चन है हमारा 2011 का, ये पूरा डायग्राम और डायग्राम की लेबलिंग, ठीक है। इसलिए इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम जो है एप्लीकेबल होगा किस पे, रिक्शा और मार्केशिया पे, क्योंकि दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है बस। ये देखो नीचे लिखा हुआ है मार्केशिया, ये मेनली मार्केशिया का स्ट्रक्चर है, रिक्शा का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फीमेल थैलस और मेल थैलस, यानी फीमेल बॉडी और मेल बॉडी, ठीक है। और ये है क्या, ये लिवर वॉल्ट है, दीज आर लिवर वॉल्ट्स, ठीक है। वॉल्ट मतलब क्या, छोटा सा पौधा, प्लांट, और लिवर तो आप जानते ही हैं, हमारा लोब्ड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ हर्बलिस्ट का मानना था कि ये जो है लिवर से रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करता है, तो उन्होंने लिवर डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इसका यूज भी किया था, तो तभी से इसका नाम लिवर वर्ट है। मॉइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल्स, तो एक तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इस डायग्राम में क्या क्या है देख लीजिए, यहां पर क्या है कि एक ये प्लांट बॉडी जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, राइजोइड, ऑइड, ऑइड मतलब क्या, लाइक राइजा लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहां पे। ये जो जैमा कप लिखा हुआ है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट है बेटा, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो यहां से ही होगा, कहां से, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर से के इन्वॉल्वमेंट से होगा। एंथ्रीडियोफोर कहने का मतलब क्या, कि ये मेल बॉडी है, आर्चिगोनियोफोर यानी कि फीमेल। अब ये फोर जो लिखा है, फोर मतलब क्या होता है बेटा, बियरिंग स्ट्रक्चर, किसको बियर कर रखा है इसने, आर्चिगोनियम को। आर्चिगोनियम कहां है, दिस इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम क्या मतलब, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एंथ्रीडियम कहां है, यहां पर, क्या नाम है इस स्टॉक का, क्या नाम है, ये जो स्टॉक दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर है, यानी कि ऐसा स्टॉक जिसने बियर कर रखा है एंथ्रीडियम को, और एंथ्रीडियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जेमा कप यहां पर भी होगा, राइजोइड यहां पर भी है, ये मार्केशिया का स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर, यस 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 सर, ठीक, अच्छा यस सर। अब यहां पर जो आप ये प्लांट बॉडी देख रहे हो, एक और क्वेश्चन का पॉइंट यहां से आ जाता है कि आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर ये कहां होते हैं। 2011 का ही ये भी क्वेश्चन है,
ये भी क्वेश्चन है कि एंथ्रीडियो 4 और आर्चिगोनियो 4 ये आपको कहां मिलेंगे बेटा, ये रिक्शा और मार्केंशिया में मिलेंगे, या ये कहो आपकी ब्रायोफाइट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन जो आया था ना बेटा, क्वेश्चन ब्रायोफाइट से ही आया था, इसलिए मैं एग्जैक्ट वही लिख रहा हूं, अदरवाइज तो है ही बिल्कुल जो आप कह रहे हो वो तो है। तो इसके बाद हम देखें तो ये जो मेन जो प्लांट बॉडी आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये जो प्लांट बॉडी देख रहे हैं, नीचे भी जो प्लांट बॉडीज बनी हुई है, ये वाली जो प्लांट बॉडी बनी हुई है, ठीक है, नीचे तो और एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इट इज ओनली गैमेटोफाइटिक। ये गैमेटोफाइट है बेटा, गैमेटोफाइट आप जानते हो ना, एन होता है ना, इतना बेसिक आप जानते हो कि नहीं, ये एक्सप्लेन करूं मैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यानी कि ये जो प्लांट बॉडी है इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, सिंगल सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और ये जो है ये गैमीट्स बनाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। गैमेटोफाइट वो प्लांट है जिसमें हैप्लॉइड कंटेंट होता है क्रोमोसोम का, और जो गैमीट्स बनाता है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां दो जो सी और डी फिगर दे रखे हैं, ये है हमारे पास फ्यूनेरिया और स्फैग्नम, ये दोनों मॉस हैं बेटा, मॉसेस हैं। यहां आप जो देख रहे हैं ये गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो लीफी स्ट्रक्चर है ना, जहां पर स्पाइरल लीव्स हैं, ये स्पाइरल लीव्स हैं, और इन स्पाइरल लीव्स के ऊपर ये जहां से कनेक्टेड है इसको कहते हैं फूट, उसके बाद ये जो स्टॉक है इसको कहते हैं सीटा, और ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है स्वॉलन स्ट्रक्चर है, यहां पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स फिर लिबरेट हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल, ठीक है। तो ऊपर के स्ट्रक्चर को जिसमें फूट सीटा कैप्सूल है उसको हमने क्या कहा, स्पोरोफाइट, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको गैमेटोफाइट कहा। यहां साफ साफ दिख रहा है ना कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। इज दिस क्लियर? कैन वी से दिस? यहां पर अगर हम देखें तो ये है एंथ्रीडियल ब्रांच, ये है आर्चिगोनियल ब्रांच। तो आपसे क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे आप कि ऊपर एंथ्रीडियल ब्रांच और नीचे आर्चिगोनियल ब्रांच होती है, किसमें, स्फैग्नम में, ठीक है ना, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस में नीचे की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस और ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होती है स्फैग्नम में। यहां पर कोई एक चीज अगर मैं कहूं कि सब में कॉमन है तो वो है गैमेटोफाइट डोमिनेंट। अदरवाइज बेटा यहां पर आपको फूड सीटा कैप्सूल दिख रहा है, लेकिन ऊपर तो आपको नहीं दिख रहा ना, यहां नहीं दिख रहा ना आपको, इधर नहीं दिख रहा, इधर आर्चिगोनियम में दिखेगा, यहां थोड़ी दिखेगा, एंथ्रोजोइन यहां दिखेगा, फर्टिलाइजेशन यहां होगा, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट यहां होगा, लेकिन यहां दिख नहीं रहा है, यानी ऐसा नहीं है, नहीं है, यहां पर भी फूड सीटा कैप्सूल बनेगा, बट नॉट दैट मच, दिस मच एक्सटेंसिव, इतना एक्सटेंसिव नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एक बात क्लियर है कि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज में यहां पर पाया जाएगा, कहां पे, ब्रायोफाइट्स में। इज दिस क्लियर? लिवरवॉर्ट्स मॉसेस, ठीक है, लिवरवॉर्ट्स में क्या, रिक्शा मार्केंशिया, मॉसेस में फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। आगे बढ़ते हैं। सो ब्रायोफाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, क्यों, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वॉटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Can live in soil, but are dependent on water for sexual reproduction. Why? What is the reason that we say that bryophytes are amphibians of plant kingdom? This is the reason. ठीक है, ये बात हो गई। अब they usually occur in damp, humid, shaded localities जहां पर आसपास पानी होता है। They play an important role in plant succession on bare rocks. ये जो लाइन है इस पे क्वेश्चन का पॉइंट है, और ये लाइन एक्चुअली नीचे ज्यादा अच्छे से दी हुई है, यानी कि यहां पर मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये रॉक्स को डीकम्पोज कर देते हैं, और इसीलिए मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। सबस्ट्रेट यानी कि रॉक जो है ना, वो जब डिकम्पोज होगी तो सॉयल का फॉर्मेशन होगा, जिसको वेदरिंग बोलते हैं ना, वेदरिंग, सॉयल का फॉर्मेशन होगा, तो
तो इस तरीके से ये जो सक्सेशन होता है प्लांट सक्सेशन इकोलॉजी से रिलेट होता है ये कंसेप्ट, तो मॉसेस अलोंग विद लाइकेन। और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2015, ठीक है, कि मॉसेस अलोंग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको पता होना चाहिए। सो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ही होती है, ठीक है, लेकिन वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या है बेटा, आप जानते हैं जब मल्टी सेल्युलैरिटी आती है ना, तो मल्टी सेल्युलैरिटी के बाद डिविजन ऑफ लेबर होता है। डू यू नो दिस? आई बिलीव दैट यू नो। यस सर। डिविजन ऑफ लेबर होता है जब मल्टी सेल्युलैरिटी आती है, और ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिविजन ऑफ लेबर होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बन जाते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो एल्गी में आप इतना नहीं देख सकते, अब वो रिबन शेप जो है स्पायरोगायरा है या यूलोथ्रिक्स इस टाइप से है यहां पर, ठीक है, या क्लेमाइडोमोनास को हम देख लें, तो यहां पर इतना डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स में है क्या, इट इज थैलस लाइक, यानी कि ये पूरी मतलब प्लांट बॉडी दिखेगी आपको, एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट, यानी कि जैसे ये दिखा दिख रहे हैं आप, ये रिक्शा वाला है, और इससे ज्यादा प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट जो है एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, ये वाला फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है, स्फैग्नम का एग्जाम्पल है, देख रहे हैं प्रोस्ट्रेट है इरेक्ट है प्लांट बॉडी, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड। राइजोइड क्या बेटा, रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहते हैं, तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड्स हैं। अब यहां पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं है, दे लैक, डू नॉट पजेस, दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे आप देखेंगे ना इसको, तो यहां पर रूट्स, ये मेन रूट्स जैसी नहीं है, ठीक है, राइजोइड ऑइड बोला है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर, मेन एक्सिस है लेकिन वो स्टेम जैसा लग नहीं रहा है, छोटा सा स्टेम लग रहा है, लग रहा है कि अभी स्टेम बन रहा है, क्योंकि स्टेम नहीं हो, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और जो लीव्स है ये एक्चुअल जो एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्मिक लीव्स होती है, जो इवॉल्व प्लांट्स में होती है, वैसी नहीं है, वैसा है ये, उसी तरीके से जैसे हमारे पास मल्टीपल मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में और प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है प्लेटीहेलमिंट्स में, ये बिल्कुल उसी तरीके से बात है कि दैट इज नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर, नॉट नेफ्रॉन। तो बाकी अभी हमने पढ़ा कि ये गैमीट प्रोड्यूस करती है प्लांट बॉडी, ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। व्हाई गैमिटोफाइट इज नोन एज इट इज, बिकॉज गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट मतलब क्या, फाइट मतलब प्लांट, और गैमिटो मतलब ऐसा प्लांट जो गैमिट बनाता हो, तो गैमिटोफाइट जो है वो ऐसी फॉर्म है जो कि गैमिट बनाती है। तो ये जो जितनी भी प्लांट बॉडी आप देख रहे हैं ये सारे गैमिटोफाइट है बेटा। तो सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, पूरा ग्रोन अप प्लांट है, एल्गी के कंपैरिजन में मच डिफरेंशिएटेड है। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है यहाँ पे उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड यानी क्या आ गया बेटा, मोटाइल आ गया कि नहीं, यस मोटाइल आ गया, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड होता है, और जो, और ये है कहाँ बेटा, ये है कहाँ, ये जो आप देख रहे हो ये एंथ्रीडियो फोर के ऊपर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर इसका अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी लेवल पे इतना ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड बनेंगे, गैमीट बनेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि वाटर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो दे कैन स्विम, दे कैन रीच आउट टू आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, ये कहां पर है बेटा, आर्चिगोनियम फोर पे है, फ्लास्क शेप होता है, इस टाइप का, एंड प्रोड्यूसर सिंगल एग, यहां पर इसका एग होता है, एंथीरोजोइड यहां से एंटर करता है, एंथीरोजोइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इनटू कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम इवेंचुअली,
एंथ्रोजोइट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट, यहां पर बन जाएगा जाइगोट. जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली. यहां पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं क्लैमाइडोमोनास या अदर एल्गी पे. वहां पर क्या होता है, जब आइसोगैमी होगी, फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट में क्या हो जाता है, जाइगोटिक मियोसिस. ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है नीट का. और इस जाइगोटिक मियोसिस के बाद फिर से कैसी प्लॉइडी रिस्टोर हो जाती है, एन. ठीक है, और ये जो एन है ये फिर क्या बना लेगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी यानी कि भाई क्लेमाइडोमोनास. ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे और ये फिर क्या बनाएंगे, गैमीट. फिर क्या होगी, आइसोगैमी. यानी कि ये जो डिप्लॉइडी है, डिप्लॉइडी केवल कितने टाइम के लिए रही, बहुत कम टाइम के लिए. तो मेन क्या है, मेन तो ये हैप्लॉइड है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल क्या बोल देते हैं, हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं. तो कहने का मतलब ये है, इतना सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इंस्टेंट मियोसिस मतलब क्या होता है. ठीक है, तो ऐसा एल्गी में होता है बेटा, यहां नहीं होता, ब्रायोफाइट में नहीं होता. ठीक है, इमीडिएटली यहां पर रिडक्शन डिविजन नहीं होता. रिडक्शन डिविजन डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली. यानी दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट. ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, क्यूनेरिया में देख लो तो ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है कि यहां पर जो एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया जो यहां पर गैमेटोफाइट में थे, यहां नहीं दिखाए गए हैं, यहां दिखाए नहीं गए हैं, लेकिन यहां पर एंथ्रिडियम आर्चिगोनियम है. और वो जब डिवाइड करता है, वो जब फर्टिलाइज हो जाता है आर्चिगोनियम, तो यहां से ये देखो ये डेवलप हो गया स्पोरोफाइट, मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट डेवलप हो गया. ठीक है, ये कैसी प्लांट बॉडी है बेटा, 2N है. तो 2N तुरंत से मियोसिस नहीं किया, 2N ने मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी बनाई जिसको हमने कहा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के अंदर फिर होगा मियोसिस, और मियोसिस होकर क्या बन जाएगा बेटा, कैप्सूल के अंदर क्या बन जाएंगे, एन स्पोर्स. और ये एन स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे, दूर दूर गिरेंगे, तो ये फिर से क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट. इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट. अब ये क्वेश्चन हल्का सा ये भी आ सकता है कि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है या नहीं होता है. बिल्कुल होता है, फोटोसिंथेटिक होता है यहाँ पे, और स्पोरोफाइट अपना नरिशमेंट गैमेटोफाइट से लेता है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन. देखो अभी हमने कहा ना कि ये जो 2N सेल्स होती हैं, ये जो 2N है, इनमें क्या होगा, मियोसिस, और बन जाएगा N स्पोर कैप्सूल के अंदर. सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू